में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मक्का हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और हमारे देश के कई क्षेत्रों में मक्का की फसल उगाई जाती है। मक्का से किसानों को आर्थिक लाभ भी काफ़ी मिलता है, लेकिन अगर आपको उसकी किस्मों की अच्छी जानकारी हो तो आप उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आमदनी में इजाफा भी कर सकते हैं। किस तरह से आपने करनी है रबी मक्का किस्मों का चयन, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का की एक प्रमुख फसल है जो खरीफ में मुख्यतः उगाई जाती है, लेकिन खरीफ के अलावा ये शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में भी आजकल होने लगी। बसंत ऋतु में इसका हाल ही में कुछ सालों में इसका बढ़ा है, उनमें आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पर ये प्रमुखता होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का एक अपने देश की प्रमुख फसल है जो खरीफ में बहुतायत से होती थी, लेकिन आजकल ये शरद ऋतु और बसंत ऋतु में भी प्रमुखता होने लगी है। जिसके पास शरद ऋतु में किसान भाइयों के यहाँ मक्का की फसल खड़ी है, वो यहाँ घुटने की तक की ऊंचाई में या आपकी नरमंजरी आने लगी है। इन दोनों ही समय में आपको दो चीज़ों का मुख्य ध्यान रखना है। उनमें पहले बात यह है कि वहाँ पर आपको पानी का अच्छा ध्यान रखना है, पानी देना है। दूसरा, जो भी खरपतवार आपके यहाँ हो रखे उन खरपतवारों को निकालना है। अगर आपके यहाँ खरपतवार निकालने के लिए मशीन नहीं है या आदमी नहीं है तो आपको टेम्बोटेन नामक रसायन है जो आप खड़ी मक्की में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। टेम्बोटेन आप 115 ml जो मार्केट में आता है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी खरपतवार हो खत्म हो जाए। जब खरपतवार निकल जाए उसके बाद आप अपने खेत में 100 किलोग्राम नीम लेपित यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल दें तो आपकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। इन दोनों ही अवस्था के ऊपर जो मैंने बताया, आप घुटने तक की अवस्था और आपकी नरमंजरी वाली अवस्था, दोनों ही अवस्था पे ये दोनों काम करने हैं। इसके साथ साथ ही कुछ जगह पे ये देखा गया कि फाल आर्मी वर्म नामक एक कीड़ा है जो आया है। वो कीड़ा क्या करता है, पौधे की गोब में बैठा रहता है और गोब में से ही वो खाना स्टार्ट करता है और आपको जो नई पत्तियाँ जो भी होती है उनमें छेद करता है। तो ये जो लक्षण अगर जैसे ही दिखाई दे तो आप क्लोरेंट्राइनिपोल है या फिर आप स्पिनोटरम है, इन दोनों दवाइयों का बारी बारी से, एक बार अगर आपने क्लोरेंट्राइनिपोल का छिड़काव किया है तो दूसरी बार आप स्पिनोटरम का छिड़काव करें। क्लोरेंट्राइनिपोल का 0.4 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है और स्पिनोटरम का 0.3 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। और जिस इन दोनों के अलावा आपको जब जो बसंत ऋतु में जो भी किसान भाई मक्का में लगाने का प्लान कर रहे हैं वो जल्दी से अपना प्लान कर लें, क्योंकि जो बसंत ऋतु की मक्का है उनमें बुआई का समय बहुत मुख्य होता है। अगर आप जल्दी लगाते हैं तो आपकी मक्का में पानी भी कम लगता है, दूसरा यह है कि आपकी उपज भी ज़्यादा आती है। जो मक्का में जब लगाते हैं उसमें आपको ज़्यादा जुताई करना या ज़्यादा खेत को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है बसंत ऋतु में, क्योंकि आपको समय बहुत कम होता है। तो इस अवस्था में आप क्या करें कि बसंत ऋतु में मक्का के लिए आप जो कुछ प्रमुख किस्में हैं वो किस्मों का भी पूरा ध्यान रखें। जो किस्में हम खरीफ में या शरद ऋतु में उगाते हैं वो बसंत ऋतु के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बसंत ऋतु के लिए आप DKC 9108 है, PMH 8 है, PMH 10 है और इन्हीं प्रमुख किस्मों का आप चुनाव करें, क्योंकि अभी ये हाल ही में बढ़ता हुआ एरिया है, बसंत ऋतु में ज़्यादा किस्मों की उपलब्धता नहीं है हमारे पास। तो इन किस्मों का आप चुनाव करें और 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज ले और 60 लाइन से लाइन और 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप बुआई कर दें। और जितना आप, जैसे मैंने कहा कि जितना आप लेट करेंगे तो क्या होगा कि जो नरमंजरी होगी वो आपकी आएगी तब आपके यहाँ तापमान 25 से 30 डिग्री या 30 से ऊपर हो जाएगा। जब 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो नरमंजरी में जितने भी पोलन होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। जब पोलन ख़त्म हो जाएंगे तो आपके यहाँ दाने नहीं बन पाते। और अमूमन किसानों का यह रहता है कि जो बाद में प्लांटिंग करते हैं 20 फरवरी के बाद में, तो ये प्रॉब्लम मुख्यतः देखी गई है। ये किसी किस्म में प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम आपके नरमंजरी में जो नर होते हैं उनके फटने के कारण होती है और जिसके कारण आपके मादा के अंदर दाने नहीं बन पाते हैं। इसके साथ साथ ही जो कुछ किसान जो चारे के लिए मक्का की बुआई करना चाहते हैं हरे चारे के लिए, वो आपको J1006 और अफ्रीकन टाल या प्रतापचेरी 6 का चुनाव कर सकते हैं। चारे के लिए आपको मक्के की बीज दर ज़्यादा रखनी है, उसमें आपको 40 से 50 किलो और 60 किलो तक भी जा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। इसके साथ साथ ही आजकल कुछ किसान भाई ये चाहते हैं कि हम साइलेज बनाना चाहें, जो मक्के का साइलेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। और साइलेज के लिए आपको जो मैंने दाने वाली के लिए जो बताई थी 60x20 के या 25 60x20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोनी है
और जब आपके भुट्टा आने लगे और भुट्टे दूधिया अवस्था में हो तब उस समय उसकी कटाई करके आप साइलेज के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो भी मक्का का अभी बीज बुआई करना है जिसको स्प्रिंग में, चारे के अलावा दूसरा जो बीज है उसको आप फोर्टेंजा डिओ से चार मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से बुआई बीज से उपचारित करके बोए ताकि आपके अंदर जो फॉल आर्मी वर्म जो एक कीड़ा है, हालांकि मैं हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि यह फॉल आर्मी वर्म इस मौसम में बसंत ऋतु में कम आएगा या नहीं आएगा क्योंकि इस समय मानसून की हवाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जो फोर्टेंजा डीओ जो मैंने बताया है वो आपको 4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से अगर आप उपचारित करके बोते हैं तो आपकी फसल को ये 20 दिन तक इसको सुरक्षा प्रदान करता है और आपके अंदर ये कीड़ा नहीं आएगा। और इसके बाद जिसके यहाँ जैसे आपने बुआई की है मक्का की, बुआई करने के आपको तुरंत बाद 1 से 3 दिन बाद आपको एट्राजिन नामक रसायन है उसका 500 ग्राम आपको एट्राजिन लेना है और एट्राजिन को आप 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है 1 एकड़ में और ऐसी एक परत बना देनी है जिससे आपका बिल्कुल कोई खरपतवार आएगा ही नहीं मक्का में और अच्छी नमी वाली अवस्था में आप बुआई करेंगे तो मक्का की अच्छी से अच्छी उपज ले सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हम बसंत ऋतु में मक्का क्यों बोए और मक्का की क्या ज़रूरत है। मक्का की ज़रूरत आप देखेंगे अपने देश के अंदर मक्का जितनी पैदा होती है वो 65% मक्का है वो आपकी मुर्गी के लिए, मुर्गी या पशु के जो चारा आहार होता है उसमें काम आती है। और आप देखेंगे मुर्गी की जो विकास दर है अपने देश में और अंडे और उस मुर्गी की वो 14% से ऊपर है जबकि मक्का की विकास दर 5-6% ही है। अगर आप इस मौसम में जितनी भी मक्का बोएंगे उससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो यह है कि आपको जो चारा मिलता है हरा चारा, या उस समय कभी कभी मौसम अपना मानसून अपना डिले हो जाता है जिसके कारण हरे चारे की या सूखे चारे की कमी पड़ जाती है और जो मई जून के महीने में जाके आप किसानों को काफ़ी किल्लत महसूस करनी पड़ती है, तो अगर आप उस समय यह मक्का लगाते हैं तो आपको जो उसका जो चारा मिलेगा, क्योंकि आजकल ऐसी किस्में बनी है जो हरी रहती है लेकिन उसका दाना पक जाता है, तो वो किस्मों में आप दाना भी हार्वेस्ट कर सकते हैं प्लस चारा भी मिल सकता है और जो दाना है आपका बिल्कुल बिक जाता है क्योंकि इस साल हमने देखा है कि जितना भी आपको भाव मिल रहा है 2000 प्रति क्विंटल से ऊपर मिल रहा है क्योंकि इसकी मक्का की डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है और देश में इसकी उपज कम है, मतलब पैदावार उतनी नहीं हो पा रही है। तो आप इस बसंत ऋतु में अगर जहाँ पर चावल बो रहे हैं वहाँ पर आप मक्का पर जाएँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही कुछ किसान भाई जैसे विशेष प्रकार की मक्का है उसमें बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, इनकी बुआई करना चाहते हैं जिनमें कम एरिया में ज़्यादा फायदा होता है। जो किसान भाई अपने शहरी क्षेत्रों के नज़दीक हैं वो किसान इनका चुनाव कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के अंदर क्या होता है, विशेष प्रकार की किस्म का भी चुनाव होता है जिसमें G5414 किस्म है वो प्रमुख रूप से प्रचलित है, लेकिन आप जो आम तौर पे जिसके अंदर ज़्यादा भुट्टा देने की क्षमता होती है कुछ किस्में हैं उनमें IMH भी 1532 है, IMH भी 1539 है और VL बेबीकॉर्न 2 है, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। और इन किस्मों को आपको पौधों की संख्या आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, 60x20 या 60x15 पे पौधों को लगाना है और क्योंकि हमें एक ही पौधे के ऊपर 2-3 से 4 भुट्टे लेने, छोटे छोटे भुट्टे आते हैं उनको तोड़ के लेना होता है, तो आप ऐसे बेबीकॉर्न की खेती भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ किसान भाई अगर मीठी मक्का लगाना चाहे तो मीठी मक्का के लिए जो बीज होता है वो बहुत कम लगता है, आपका 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है और इसका थोड़ा महंगा भी आता है, लेकिन मीठी मक्का से ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं लोग और वो मीठी मक्का को टूरिस्ट प्लेस पर खाते हैं, यहाँ पर भी भ्रमण के स्थल होते हैं वहाँ पर, तो ऐसी जगह में आप मीठी मक्का का 2 से 3 किलो बीज लेकर और 60 से 25 सेंटीमीटर या 60 से 30 सेंटीमीटर पे बोए ताकि भुट्टे की साइज अच्छी आए आपके यहाँ और उस भुट्टे को आप मार्केट में अच्छे दाम पे बेच सकें।